अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 309 रन का हदफ दे दिया। दोस्तों हारिस सुहेल के 98 रन की धुआंधार इनिंग और बाबर आजम की निफ सेंचुरी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी गुजारिश है, अगर आप दोस्तों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल फ्री में हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों वर्ल्ड कप के अंतहाई अहम मैच में साबिक आलमी चैंपियन पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 309 रन का हदफ दे दिया। दोस्तों लाट के तरीकी ग्राउंड में पाकिस्तानी टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टूर्नामेंट में बका की जंग लड़ रही है। दोस्तों कप्तान सरफराज अहमद ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। दोस्तों तो अमामुल हक और फखर जमान ने इनिंग का आगाज किया। दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने पूरे इत्मीनान अंदाज अपनाते हुए जिम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहरा करते हुए कौमी टीम को 81 रन का शानदार आगाज फराहम किया। दोस्तों जिसके बाद फखर जमान 44 रन बनाकर गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर इमरान ताहर का शिकार बने। दोस्तों अमामुल हक भी अपने आगाज को लंबी इनिंग में तब्दील ना कर सके। दोस्तों इमरान ताहर ने अमामुल हक का 44 रन पर जबरदस्त कैच लेकर इन्हें भी पवेलियन भेज दिया। दोस्तों मोहम्मद हफीज और बाबर आजम ने तीसरी विकेट के लिए 45 रन जोड़े। दोस्तों जिसके बाद मोहम्मद हफीज 20 रन बनाकर मुकराम का शिकार बने। दोस्तों बाबर आजम ने भी अपनी दूसरी वर्ल्ड कप निफ सेंचुरी मुकम्मल की। दोस्तों जिसके बाद वो 69 रन बनाकर फ्लियुकियो के हाथों पवेलियन लौटे। दोस्तों हमाद वसीम और हारिस सुहेल ने 69 गेंदों पर 71 रन शानदार शराकत कायम की। दोस्तों जिसके बाद हमाद 23 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों वहाब रियाज भी 4 रन बनाकर पवेलियन लौटे। दोस्तों हारिस सुहेल 9 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 59 गेंदों पर 89 रन के शानदार बारी खेलकर पवेलियन लौटे। दोस्तों हारिस सुहेल की शानदार इनिंग की बदौलत पाकिस्तान ने मुकर्रा 50 ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर 308 रन बनाए। दोस्तों जनूबी अफ्रीका की जानब से नगरेम ने 3, इमरान ताहर ने 2 और एडम मलिक ने 1-1 विकेट हासिल की। दोस्तों कौमी टीम में 2 तब्दीलियां की गई। तजुर्बाकार ऑलराउंडर शुएब मलिक की जगह हारिस सुहेल और फास्ट बॉलर हसन अली की जगह शहीन शाह अफरीदी को टीम में शामिल किया गया। दोस्तों कौमी टीम में अमामुल हक, फखर जमान, बाबर आजम, कप्तान सरफराज अहमद, हारिस सुहेल, मोहम्मद हफीज, हमाद वसीम, शदाब खान, मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज और शहीन शाह अफरीदी शामिल हैं। दोस्तों आज का मैच कौन सी टीम जीतेगी, पाकिस्तान या जनूबी अफ्रीका, हमें अपना जवाब कमेंट में लाजमी दें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर आप देखना चाहते हैं क्रिकेट की लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले तो बिल्कुल फ्री में हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलें।